जोगता थाना क्षेत्र अंतर्गत आए दिन सीएचपी से वैध पैमाने पर हो रही है कोयला की अवैध तस्करी। जोगता जो है रेलवे स्टेशन के बगल में भी अवैध डिपो चल रहा है, जैसे कि सूत्रों से मुझे जानकारी मिली है। जोगता थाना क्षेत्र अंतर्गत वैध पैमाने पर हो रही है। अगर जो है कि आज पूरा देखा जाए तो जो है कि कोयलांचल में जो है कि हमारे एसएसपी महोदय एक ईमानदार छवि के हैं, हमेशा कोयला तस्कर पर जो है कि लगाम लगा रहे हैं। बाकी जो है जोगता हो, थानेदार हो, चाहे लोयाबाद के थानेदार हो, ये सब जो है कि नाक के नीचे से जो है कोयला माफियाओं से साठगांठ करके कोयला का अवैध तस्करी खुलेआम करवा रहे हैं। अगर जो है कि अगर हम एसएसपी महोदय से मांग करते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी हमने पत्र लिखा है कि इस पर अविलंब रोक लगाया जाए, अगर रोक नहीं लगाया जाता है तो जो है कि भ्रष्टाचार बैग पैमाने पर हो रही है और राज्य सरकार की संपत्ति को ले जोगता थानेदार दोनों हाथों से लुटवा रहे हैं। समय रहते जोगता थानेदार पर भी कार्रवाई किया जाए, हम एसएसपी महोदय से भी मांग करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को भी पत्र लिखे हैं। आए दिन जो है पोर्टल अखबार में जो है जोगता में हमेशा न्यूज प्रकाशित हो रहा है कि जो है कोयला का जो है अवैध डिपो चल रहा है, सीएचपी से बड़े पैमाने पर चोरी हो रही है। इसलिए मैंने आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पत्र लिख के इसे अवगत कराया। अगर एक सप्ताह के अंदर अगर जोगता में अगर सारा चीज़ जो है नहीं बंद होता है चोरी कोयला का, तो जो है कि हम जो है कि इसके खिलाफ में हम रणधीर वर्मा चौक पर हम लोग एक दिवसीय धरना देंगे और माननीय एसएसपी महोदय से भी हम जाकर मिल के सारी बातों को उनसे अवगत कराएंगे। मेरा नाम रत्नेश कुमार, हम जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ का। आज जोगता में जो सीआईएसएफ के अधिकारियों ने सीएचपी में जो छापामारी किए हैं और जो है कि वहाँ भेड डिपो भी जो चल रहा है, छापामारी हुई है, मैं तमाम प्रेस बंधु को तहे दिल से धन्यवाद दे रहा हूँ जो मेरा कल न्यूज़ को प्रमुखता से कल प्रकाशित किए थे। माननीय मुख्यमंत्री भी धन्यवाद के पात्र हैं और उनसे मैं एक आग्रह भी करना चाह रहा हूँ कि आज लोयाबाद में भी लोयाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत अवैध डिपो, कोयला की तस्करी, लोहा की तस्करी जो हो रही है उस पर भी अविलंब संज्ञान ले माननीय मुख्यमंत्री महोदय, और एसएसपी महोदय से भी आग्रह करते हैं कि विकास कुमार यादव पर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए और इनको निलंबित किया जाए, क्योंकि आज लोयाबाद में भी धड़ेल से सब जो है कोयला लोहा की तस्करी की जा रही है। लोयाबाद का भी मैंने जो है कितना कंप्लेन डीजीपी महोदय मुख्यमंत्री महोदय को किया, बाकी अभी तक लोयाबाद में कार्रवाई नहीं हुई है, पर जोगता पर मैंने जो है कि कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पत्र लिखा जो न्यूज़ में सब प्रकाशित होने के बाद आज सीएचपी में छापामारी हुई है और जोगता में अभी भी जहां जहां अवैध डिपो चल रहा है उस पर भी जो है कि छापामारी करके बंद कराया जाए ताकि जो है कि धंधेबाजों पर लगाम लग सके। और इसके लिए जो है मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और तमाम मीडिया बंधु को मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरा नाम रत्नेश कुमार, हम अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ